पूर्णी, यास्मीन, नकचड़ी, नकचड़ी आके खोलो नकचड़ी। नकचड़ी आके खोलो नकचड़ी। चोरनी, चोरनी की सांसें नहीं आ रही है। लगता है कि हमें इसे सांसें देनी पड़ेंगी। हम हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। गाड़ी चोरने के साथ मैं रुको जिन हूँ। अरे ऐसे कैसे रुको, आका को मेरी जरूरत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है शहजादे तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। छोटे, मैंने ऐसा कब कहा लोटे? तुम मुझे छोटे छोटे मत बुलाया करो। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा छोटे। देखो अगर तुम्हें मुझे कुछ बुलाना ही है तो तुम मुझे बुलाओ दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मासूम जिन। हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना करीब आने की? क्या कर रहे थे? हो गया। मेरा मतलब है तय हो गया कि आज से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा इनमें से किसी एक नाम से पुकारूंगा। लेकिन छोटे नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाऊंगा छोटे।
मैं क्या कह रही हूं? लादीन, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। जवाब दो, मेरे इतना करीब आकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? हम मुझे और बस एक बहाना था ना, तुम मुझे यहाँ मेरा वक्त बर्बाद करने लाए थे, है ना? तुम क्या हम तुम लगा रखा है? जवाब दो, तो जवाब वो... जवाब देने के लिए बोलने का मौका नहीं दोगी? तुम पानी में डूब रही थी, वो तो वक्त रहते हम पानी में कूद पड़े, वरना वरना क्या क्या वरना? खुदा ना खास्ता, वरना देखो मैं आका के पास जा रहा हूं, तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आका, आप लोग लड़ क्यों रहे? लड़ने का शौक ना किसी को है। हमें ही है लड़ने का शौक, हमें ही है। जिनू, तुम अपने जादू से जल्दी से हमें सुखा दो, नहीं तो कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसका भी इल्जाम हम पर लगाएगा। हाँ, अभी लीजिए। पड़ोसी ने खिड़की से ताका झाका, जल्दी से सूखे चोरनी और आका। जी 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 जी, जिनू जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। पर अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। आप समझे? हाँ हम भी समझ गए, दिल की मानता नहीं। ये तुम दोनों पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अरे भाई, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हम भी यही सोच रहे हैं। सोचिए मत, करिए और जल्दी करिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ तालीम। चोरी, वो देखो मुझे। तुम्हारी और हमारी मंजिल एक ही है चोरनी, सफर उर्फ मुच्छर। पर उस रास्ते में तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, जो मैं गवारा नहीं, इसलिए करना जरूरी था, हमें माफ कर देना। आका, आपने काली चोरनी को फिर से बेहोश कर दिया, क्यों? आधा काम पूरा हो चुका है, अब पूरा काम करने का इंतजाम करो जिन। जी, अब मैं यास्मीन का चेहरा जहर के चेहरे जैसा बना दूंगा। मतलब यास्मीन की शक्ल, चाल, आवाज, सब कुछ जहर जैसी हो जाएगी। उसके बाद जहर की शक्ल में यास्मीन वही करेगी जो मैं उससे कहूंगा, और बड़ी उस्ताद से चूहे का पिंजरा साफ कराने वाली जहर खुद चूहिया बन जाएगी। बगावत की आग लगी है, उठ रहा है धुआं, यास्मीन बन जाए जहर, जहर बन जाए चूहा।
काम हो गया शहजादे। आप फिक्र मत कीजिए शहजादे, इन्हें कुछ नहीं होगा। बस हमें जो भी काम इनसे करवाना है वो आधे घंटे के अंदर कराना होगा। आधा घंटा? ये जादू ज्यादा देर नहीं चलेगा। आधे घंटे के बाद यास्मीन यास्मीन बन जाएगी और जहर जहर बन जाएगी। इसलिए जहर बनी यास्मीन से हमें जफर को फंसाने के लिए जो कुछ भी करना है वो आधे घंटे के अंदर करना होगा। ठीक है, हम फौरन जफर के पास पहुंचेंगे। चोरनी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। निकल गया जहर का सारा जहर, अब बैठी रहो पिंजरे में। चलिए लूटा अंगूठी का चिन्ह, वो मेरे आका का चिन्ह नहीं है। मेरे आका का चिन्ह मैं हूं, लेकिन फिर भी आका उसके साथ रहते, उससे अपनी राज की बात कहते। ऐसा तो नहीं कि दादा जान की तरह मेरे आका भी मुझे ना पसंद करते हो? इतना भी बुरा नहीं हूं। जिनू है उदास। आका जिनू, तुम सबसे अच्छे जिनू, सबसे अच्छे। और अगर तुम्हारे दादा जान को लगता है कि तुम नहीं हो तो माफ करना, मैं कहना पड़ेगा, क्योंकि आंखें ना कमजोर है। लेकिन हमारी आंखें कमजोर नहीं है, हम हीरे को देख कर ही पहचान जाते हैं। ऐसे ही होते। शुक्रिया आका, लेकिन अगर मैं इतना ही लायक हूँ तो आप अंगूठी के चिन्ह से इतनी दोस्ती क्यों करते? उससे अपनी राज की बातें कहते, उसे काम कहते, मुझसे क्यों नहीं कहते? मुझसे भी राज की बातें कहिए, मुझे भी काम दीजिए। काम है, करोगे? करूंगा। ठीक है, तो फिर जहर कमरे में जाओ और उसका सच बोलने वाला जहर ले आओ। हम जफर कमरे में, तुम चुपके से वहीं आकर हमें वो जहर दे दो। जो हुक्म मेरे आका। अब हम तेरी चाल तेरे ही खिलाफ चलेंगे कमीने, और अब तेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सही खेल गए, सही खेल गए। क्या बात है सुल्तान, क्या बात है। आपकी तलवारबाजी देखिए ना, दिल से यही तारीफ निकलती है कि रिश्ते में आप सबके अब्बा लगते हैं। नाम है शहंशाह, हमारा मतलब शहंशाह जफर, जफर। क्या ये बात कही तो नहीं है, पर एक दिन कहेगा जरूर। ओ, क्या कहने आए हो सुल्तान? हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अकेले में, अकेले में। जो कहो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बदकिस्मती है हमारी, कि जो खबर हम आपको सुनाने आए हैं वो जितनी पक्की है उतनी मनहूस भी। इसलिए अगर आप हमारा सर धड़ से अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। सजा देनी है या नहीं इसका फैसला हम पर छोड़ दो। हमें बताओ क्या खबर है वो?
हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस मुंह से आपको ये खबर सुनाएं। अरे इतना खूबसूरत मुंह है, इसी से बोल दो। ये खबर सुनने के बाद आपको बहुत गुस्सा भी आ जाए। नहीं, हमें गुस्सा तब आता है जब कोई हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। तो चलो बताओ, क्या बताने आए थे आप? आपकी बहन आपके खिलाफ साजिश कर रही है और आपको पता साफ करके आपकी जगह लेना चाहती है। अलादीन, ये तुमने क्या कह दिया अलादीन? तुमने हमारी बहन के बारे में कुछ भी अनाब शनाब बक दिया। इसकी सजा तो मिलेगी। सच कहने वालों की नसीब में सजा ही आती है, पर फिर भी वो सच कहने से हिचकिचाते नहीं है। हमें आपकी फिक्र है सुल्तान, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद काला चिराग वो हत्याना चाहती है। सुल्तान वो आपको धोखा देकर कायनात पर हुकूमत करना चाहती है, और हमें कैसे पता? क्योंकि वो खुद चलकर हमारे पास ये कहने आई थी कि हम आपकी आंखों में धूल झोंकने में उनकी मदद करें। हम भी आपकी तरह सफेद पड़ गए थे सुल्तान, ऐसे ही जैसे आप पड़ गए। हमारे भी तोते उड़ गए थे एक पल को, तो हम भी डर गए थे कि अगर हमने उन्हें मना किया तो गुस्से में आके कहीं वो अपना जहर ना फेंक दे और हमें भी तिलचट्टा या मेढक ना बना दे। पर सुल्तान, आपकी वफादारी, आपकी वफादारी उस डर पर भारी पड़ गई। बस अब ये चाल चलना हमें भारी ना पड़ जाए कि मगरमच्छ हमारे जाल में फंसेगा, तभी अम्मी को उनकी याददाश्त और हमें हमारी अम्मी मिलेंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.